शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खुदा के लिए दरवाजा खोलो रुखसार, रुखसार दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो रुखसार। रुखसार! नजीर खान दरवाजा खोलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम रुखसार से मिलने आए हैं। रुखसार को अपने घर से निकाल कर तुमने ये हक खो दिया है दामाद साईं। तुमने इस हवेली में कदम रखने की जुर्रत कैसे की? अफजल भाई, हमने रुखसार से निकाह किया है। तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी बीवी, तुम्हारी शरीके हयात को तुम्हारे घर से बाहर निकाल दिया गया और तुम भुत बने तमाशा देखते रहे। क्या उस वक्त तुम रुखसार के खावन नहीं थे? उस वक्त हम मजबूर थे बाबा जानी। वो मजबूरी नहीं थी, वो हमारे खानदानों की पुरानी दुश्मनी थी और उसी दुश्मनी का तुम लोगों ने हम पर भरपूर वार किया। चल अफजल भाई। दादी अम्मी। बाबा जानी, अगर हमें मालूम होता कि अब्बू जान हमारी रुखसार को घर से निकलवाने के लिए हमारा हाथ कुराने पाक पर रखवा कर हमसे कसम खिलवा रहे हैं तो बाखुदा हम अपने हाथ कटवा लेते, मगर ऐसी कसम कभी न खाते। हम जानते हैं कि हमारे अब्बू जान ने हम पर रुखसार पर बड़ी ज्यादती की है, मगर बाबा जानी, अगर आपने हक महर में इतनी बड़ी रकम न मांगी होती तो हमारे अब्बू के दिल को ठेस नहीं पहुंचती, हमारे अब्बू के दिल में इंतकाम की चिंगारियां नहीं बढ़ती। खामोश! तुम्हारे बाप शेर खान ने हमारी पहन भेजी है और उसके जवाब में हम तुम्हारी लाश भेजेंगे। रुक जाओ अफजल, रुक जाओ। ये अभी तक हमारा दामाद है, इसने रुखसार को घर से निकाला है, तलाक नहीं दी। तो बाबा जानी कह दो इससे कि अभी और इसी वक्त मेरी बहन को तलाक दे दे। अफजल खान, मुझे इतनी गंदी गाली मत दे। गाली तो तुम लोगों ने हमें दी है, हमारी बहन को घर से निकालकर अब रुखसार के बारे में क्या सोचता है? देखे तलाक और निकल जाए यहाँ से। दादी अम्मी। बाबा जानी, हम अपनी कसम का कुफारा अदा कर देंगे, मगर रुखसार का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रुखसार से तुम्हारा रिश्ता अब तभी जुड़ सकता है जब तुम्हारा अब्बा शेर खान हाथ जोड़कर यहाँ आएगा और अपने किए की हमसे माफी मांगेगा। बाबा जानी, अपने गुरूर को जिंदा रखने के लिए हमारी मासूम मोहब्बत पर अपनी दुश्मनी का ऐसा कोई किला मत बांधिए जिसकी बुनियाद आपको खून की नदियों पर रखनी पड़े। खुदा हाफिज। बाबा जानी, शेर खान इस दहलीज तक आएगा नहीं और आप उसके घर में जाएंगे नहीं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब वो आबाद नहीं हो सकती। बाबा जानी, आबाद नहीं हो सकती। मैं शेर खान के खानदान को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, नेस्त नाबूद कर दूंगा। बेटा साईं, गुस्सा हमेशा दिल में रखना चाहिए। जब ये सर पर चढ़ जाता है तो बंदे का वार ओछा पड़ता है। अंजाम उनका वही होगा जो तू चाहता है, लेकिन होगा वैसे जैसे हम चाहते हैं। तेरा कुत्ता कहाँ है? रफीक, इधर। ये आपने क्या किया? जब हमारी तरह बचपन के हो जाओगे तो ऐसा बचपन का सवाल नहीं करोगे। क्या मतलब? मतलब ये बेटा साईं कि आखिर कानून भी कोई चीज है। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए कि कुत्ता पागल हो गया था, हमने गोली चला दी। आओ। अफजल खान के कुत्ते
सलमान बेटे कसम हो गया। हाँ, क्या हुआ? अल्लाह अब्बू चाचू क्या हुआ? सलमान क्या हुआ? आशु ये कैसे हुआ? हम लोग बगीचे में खेल रहे थे, अचानक वहां पे एक काला कुत्ता आके आशु पे हमला कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो हम उस पहाड़ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। फतेह खान! शाबाश सुल्तान, शाबाश। हम समझ गए तूने अफजल खान को खत्म कर दिया है। वाह बेटे वाह, शाबाश। अब शौकत खान और फतेह खान कल का सूरज नहीं देखेंगे। नहीं जुबेर, हमारे सीने में इतना बड़ा गम उतारने वाले को हम इतिहास में मौत नहीं देंगे। जिस तरह रेगिस्तान में प्यासा एक एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ता है, उसी तरह फतेह खान हमारे इंतकाम से तड़प तड़प कर अपनी एक एक सांस तोड़ेगा। हाँ,